उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM घोटाला एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल CBI की स्पेशल कोर्ट ने हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले के एक आरोपी पूर्व डिप्टी CMO रहे डॉक्टर YS सचान की मौत को हत्या और साजिश बताया है। आपको बता दें, डॉक्टर YS सचान की जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। वह NRHM घोटाले में जेल में बंद थे और अब उनकी मौत से जुड़े मामले में ही एक नया मोड़ आ गया है। क्या है वो मोड़, क्या था NRHM घोटाला, कैसे घोटाले से जुड़े अधिकारियों की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से हुई मौत, क्यों उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री तक का नाम इस घोटाले से जुड़ा था, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सजवान और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दी लोकसभा। तो सबसे पहले जानिए कई लोगों की मौत का कारण बने इस NRHM घोटाले के बारे में। साल था 2007। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 8,657 करोड़ रुपए का फंड दिया। फंड देने का कारण था कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन हॉस्पिटल निर्माण, हर ब्लॉक में एम्बुलेंस की व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयों की खरीद के नाम पर फर्जी आंकड़ों के जरिए हजारों करोड़ रुपए के फंड का बंदरबांट किया गया। 8,657 करोड़ रुपयों में से 4,938 करोड़ रुपए को तो जैसे तैसे नियमों की अनदेखी करते हुए खर्च किया गया। जब जांच की गई तो पता चला कि दवाइयों के 60% बिल करीब फर्जी पाए गए। अस्पताल बनाने के लिए बिना करार किए हुए ही ठेके दिए गए और बिना अस्पताल बने ही ठेकेदार को पैसे दे दिए गए। NRHM योजना के तहत अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स रखने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि दी गई, लेकिन 8,327 की जगह केवल 4,606 स्टाफ नर्सें रखी गई और कागजों में नर्सों और स्टाफ की संख्या मानक के मुताबिक दिखाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। ग्रामीण इलाकों में संक्रामक बीमारियों को लेकर बांटे जाने वाले टैबलेट के पत्ते जो मात्र 1.5 रुपए में मिलने थे, उनको अलग अलग जिलों में 18 रुपए तक में खरीदा गया। जिला बहराइच में तो 258 BPL महिलाओं की डिलीवरी कराने के लिए करीब 7 लाख रुपए दिए गए, लेकिन किसी भी महिला के BPL के दस्तावेज नहीं लिए गए, जो कि बेहद जरूरी थे। 26 लाख लोगों की नसबंदी करने में 181 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन भुगतान रजिस्टर में कई लोगों का ना अंगूठा लिया और ना ही दस्तखत कराए गए। घोटाले के बाहर आते ही CBI जांच शुरू हुई तो जो तथ्य सामने आए उसने सिर्फ सियासी ही नहीं, प्रशासनिक हलके में भी सबको सत्ते में ला दिया। घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों ने माना था कि घोटाला कई वर्षों से चल रहा था, पर वर्ष 2010 और 11 के बीच बेहद बड़े पैमाने पर धांधली हुई। CBI ने इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू की, बड़े बड़े नाम बाहर आने लगे। पूर्व DG हेल्थ SP राम, UPSCIC के MD AK वाजपेयी और दवा कंपनी के एक बड़े व्यापारी सौरभ जैन गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा CBI ने कई इंजीनियर, परियोजना प्रबंधक, चिकित्सा अधिकारी समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा। उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले BSP के बाबू सिंह कुशवाहा और BSP के ही विधायक RP जायसवाल को घोटाले में शामिल होने में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, शक की सुइया उस वक्त की मुख्यमंत्री रही मायावती की ओर भी घूमने लगी। उस वक्त बसपा सरकार की काफी किरकिरी हुई। अक्टूबर 2015 को मायावती से CBI ने 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसके दौरान उनसे करीब 25 से ज्यादा सवाल किए गए, जिनमें से कुछ के उन्होंने जवाब दिए और कुछ को उन्होंने मुझे इसकी जानकारी नहीं है कहकर टाल दिया। मामला सनसनीखेज तब बना जब मामले से जुड़े अधिकारियों की दिन दहाड़े भरे बाजार में हत्या की खबर सामने आई। 27 अक्टूबर 2010 को CMO विनोद आर्या और 2 अप्रैल 2011 को CMO BP सिंह को उनके घर के बाहर दिन दहाड़े बाइक सवारों ने गोली मार दी और बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि दोनों को मारने के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया। CMO BP सिंह की हत्या के आरोप में और NRHM घोटाले में शामिल होने के आरोप में डिप्टी CMO YS सचान को गिरफ्तार किया गया। उन्हें लखनऊ जेल में रखा गया, लेकिन कोर्ट में उनकी पेशी से ठीक एक दिन पहले यानी कि 22 जून 2011 को उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि सचान अगले दिन कोर्ट में NRHM घोटाले से जुड़े कई बड़े खुलासे कर सकते थे, लेकिन सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ही उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 27 सितंबर 2012 को CBI द्वारा उनकी मौत को आत्महत्या बताने के बाद YS सचान की पत्नी मालती सचान ने उसी दिन CBI की रिपोर्ट को चुनौती दी। 9 अगस्त 2017 को CBI ने आत्महत्या बताते हुए फाइनल रिपोर्ट दाखिल की।
9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट खारिज की। अब 12 जुलाई 2022 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डॉक्टर वाईएस अचान की संदिग्ध मौत को सबूतों के आधार पर हत्या और साजिश करार दिया है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा को कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी रहे करमवीर सिंह, एडिशनल डीजीपी रहे वीके गुप्ता और लखनऊ के आईजी जोन सुभाष कुमार सिंह को 8 अगस्त को तलब किया है। इसके अलावा सीबीआई की विशेष अदालत ने लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर रहे बीएस मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, मुख्य कैदी वार्डन के बंदी रक्षक बाबूराम दुबे और बंदी रक्षक महिंदर सिंह को अपने पक्ष रखने के लिए तलब किया है। डॉक्टर सचान की पत्नी मालती सचान ने देश के एक प्रतिष्ठित अखबार से उनके पति की मौत पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मायावती सरकार ने मेरे पति की हत्या को आत्महत्या साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा भी मिलने आए, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद इस केस में क्या नया मोड़ आता है। क्या अभी और भी बड़े चेहरों के सामने आने की आशंका है? क्या बहुजन समाज पार्टी और मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? खैर, ये तो वक्त और कोर्ट की आगे की कार्रवाई ही बताएगी, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे दी लोकसभा।